अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल फूड सीरीज़ में शेयर करूंगी बहुत ही आसान और क्रिस्पी प्लेन वेज कटलेट बनाने का परफेक्ट तरीका। मिक्स वेजिटेबल से बनने वाले इस कटलेट को आप डीप फ्रीज़र में स्टोर करके 10 से 12 दिनों तक रख सकते हैं। ये टेस्टी रेसिपी सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए चटपटे क्रिस्पी वेज कटलेट किस तरह से बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर हम ले लेंगे पैन, 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें ऑयल, ऑयल गरम हो गया है, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे अदरक और 2 पिंच हींग। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और अब डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई। इसी के साथ डाल देंगे 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, ये बारीक बारीक मैंने काट लिया है, 1/2 कप शिमला मिर्च और ये 1/2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। हाई फ्लेम पे हमको वेजिटेबल्स 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसके साथ शामिल करेंगे 1 दरमियाने साइज़ का गाजर था, ये मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आपके पास जितनी भी घर में आपके पड़ी हो वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स ले लीजिए क्योंकि सभी हेल्दी होती हैं। इसी के साथ डाल देंगे मटर, ये सीज़न वाली मटर है, आपके पास नहीं है तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। और अब इस पॉइंट पे जाएगी कटलेट की जान, बीट रूट, ये है 1/2 कप और हाई फ्लेम पे ही इनको फ्राई करिएगा 4 से 5 मिनट। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस मसाले पाउडर। पाउडर इस तरह से हैं कि 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून है हल्दी का पाउडर। ये सारे मसाले हम इसी में डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मसालों को सब्जी में मिक्स कर लेंगे, फ्लेवरफुल हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे काट देंगे इसमें फ्रेश हरा धनिया खुशबू के लिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, सब्जियों का राजा आलू, क्योंकि आलू से टेस्ट तो दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप आलू भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। 4 से 5 बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद पोटैटो मैशर से ले लीजिए, मैश कर लीजिएगा, या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा और इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अब बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। आटा की तरह गूंदना नहीं होता है, सिर्फ मिक्स करना होता है। अगर आपके मिक्सचर में बाइंडिंग कम है तो आप 4-5 टेबल स्पून की जगह 7-8 टेबल कर लीजिएगा, 2-3 टेबल और बढ़ा लीजिएगा। तो 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स डाला है और अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है, खूब अच्छी बाइंडिंग भी आ रही है। ये देखिए लिपट भी नहीं रहा है और हाथ में इस तरह से दबाओ तो ये दब जा रहा है। तो जैसे ड्रॉप होता है उसी शेप में हम इसको बनाएंगे। तो एक पोर्शन ले लीजिएगा नींबू जैसे दरमियाने साइज का, और इसको हम शेप देंगे कटलेट का। इस तरह से प्रेस करेंगे हाथ से तो यूं इसका शेप आएगा। आप किसी भी शेप में बना लें। तो ये देखिए इस तरह के शेप में हमको सारे कटलेट बना के रख लेना है। तो इस तरह से मैंने कटलेट का शेप दे दिया है। तो आप जब भी ट्रेन में विजिट करते होंगे तो ट्रेन में आपको इस तरह के कटलेट मिलते होंगे। इस कटलेट को बना लीजिएगा, आप फ्रीज में भी रख सकते हैं और फ्रीजर में भी रख सकते हैं। रमजान में आप बनाइएगा, बहुत आसानी हो जाती है। बना के इस तरीके से रख लीजिएगा और जब भी फ्राई करना हो इफ्तार टाइम आप निकालिएगा, और निकालने के बाद रखने की जरूरत नहीं होती है, आप फ्रीजर से फौरन निकालिएगा और फौरन से फ्राई कर लीजिएगा। अगर रख दो देर तक तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इधर हम स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए मैंने ले लिया 4 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 चुटकी इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसका एक थिन बैटर बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना ज़्यादा पतला बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे। तो इस तरीके से स्लरी बना लेना है, पतली सी, बहुत ज़्यादा कोटिंग भी नहीं आए कटलेट पे, नहीं वो लेयर क्लियर मोटा मोटा हो जाता है। पतला इस तरीके से बनेगा तो लेयर उसमें पतली सी आएगी। और इसको एक साइड रख देते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 कप, ये है ब्रेड क्रम्स। तो अब इधर हम उठाएंगे कटलेट इस तरह से, 1 पीस फॉक में रख लेंगे, स्लरी में डालेंगे, फिर इस तरह से उठा लेंगे स्लरी को ड्रॉप करते हुए। इस तरह से अब ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और अपने हाथों से इस तरह डालेंगे,
ये देखिए, बहुत हाथ से प्रेस नहीं करना है, चिपकाना नहीं है, आराम से इस तरह से उठा लेना है इसको। सारे कटलेट्स बना के इस तरीके से रख लेंगे। तो अब चलते हैं, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने पहले से रख दिया था हीट होने के लिए, और हाई फ्लेम पे ये गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं अपने कटलेट, एक एक ड्रॉप करेंगे इस तरह से। हाई फ्लेम पे करने के बाद लो टू मीडियम पे कर दीजिएगा फ्लेम, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर की लेयर गोल्डन हो जाएगी, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे इनको। तो ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल लिया है सारे कटलेट। सेकंड बैच भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फीडबैक्स ज़रूर दें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।